नमस्कार, मेरा नाम मंजीत गौतम है। भीड़ में से निकलकर कोई नेता बनता है। जींद में इस वक्त हर तरफ भीड़ है, हर पार्टी चाहती है कि उनका कैंडिडेट जीते। इस वक्त मौजूद हैं INLD के ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद हैं INLO के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी। उनसे पूछते हैं, बात करते हैं किस तरह की जमीन वो जींद में अपने कैंडिडेट के लिए तैयार कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो अरोड़ा जी, किस तरह की जमीन आप तैयार कर रहे हैं अपने कैंडिडेट के लिए? INLD को जींद में जमीन तलाशने की जरूरत नहीं है। ये बात सही है, बिल्कुल। पिछले दो बार से लगातार यहाँ MLA रहा, और अब भी हमारा जो उम्मीदवार है केवल वही लोकल उम्मीदवार है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उन्होंने तो चुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित करके अपनी नैतिकता स्वीकार कर ली। कांग्रेस पार्टी जिन्हें देश की आज़ादी के 70 साल में से ज़्यादातर समय देश और प्रदेश पर राज किया, आज जींद जहाँ से उनके 4 बार MLA भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, आज उनको उम्मीदवार नहीं मिला। एक सिटिंग MLA जो कैथल से सिटिंग MLA, आज उसको उतार के ये सिद्ध कर दिया कि आज उनके पास यहाँ पर कोई धरातल पे उनका उम्मीदवार नहीं है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिनकी देश और प्रदेश में आज सरकार है, आज उनके कैडर का भी उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए स्वर्गीय डॉक्टर मिड्डा के लड़के को बहका के वो चुनाव लड़ा रहे हैं। तो आपका कहना है कि मिड्डा INLO को छोड़कर BJP में क्यों गए, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सरकार जो होती है उसके पास बहुत हथियार होते हैं, कई प्रकार के हथकंडे बनाते हैं, और इस सरकार ने तो जाति क्या धर्म के नाम पे हमेशा बांटने का काम किया। मुझे लगता है कि उन्हें भी इस प्रकार का कोई हथकंडा दे के ले गए हैं। और तीसरा, जो नई पार्टी बनी है उन्होंने बनने से पहले ही अपने आप को जिस प्रकार से सिद्ध कर दिया कि वो केवल और केवल 3 लोगों की पार्टी है, माँ और 2 बेटों की पार्टी है। माँ पहले MLA, दूसरा बेटा MP है, तीसरे को MLA में उतार दिया। यहाँ की जींद की जनता पे विश्वास नहीं किया, केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ के एक साधारण किसान के बेटे को उम्मीदवार उतारा है। और निश्चित रूप से जींद की जनता कमेरे और बाहरी की जो लड़ाई है, एक तरफ तो कमेरा किसान है और दूसरी तरफ बाहरी उम्मीदवार है, उनमें हमारे को जितना है। अरोड़ा साहब, एक तरफ दिग्विजय का कहना है कि INLO डर की पार्टी है, हम उस पार्टी से निकल के एक शरीफ पार्टी बाए, इसका क्या कहें, इस पर क्या कहेंगे? अभी दिग्विजय से हमने बात की थी, उन्होंने कहा उनको पहचान दी। आज उनकी पहचान इसीलिए है कि वो चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, और जिस पहचान को लेकर जिस पार्टी से उनका भाई MP बन के, जिस पार्टी से उसकी माँ MLA बन के आज बैठी हैं, अगर आज उनको गुंडों की पार्टी बताते हैं तो उनके लिए शर्म की बात है। लेकिन वो लोग कहते हैं हमने INLO को अपनी माँ समझा, हमें INLO से बिना किसी कसूर के बाहर निकाल दिया। निश्चित रूप से पार्टी माँ होती है और माँ समझना भी चाहिए, परंतु ये बात सब लोगों ने देखी जींद की गुहाना के अंदर किस प्रकार से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब भाषण देते थे लोग सड़कें रुक के सुना करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब विधानसभा बोलते थे पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ करती थी। उस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो उनके दादाजी थे उनके सामने इस प्रकार की बात होना और उसके बाद ये कहना कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे अपने दादा से, आज दादा का कसूर बच्चों का ना भी हो फिर भी माँ बाप से बड़ों से सम्मान तो मांगना उनके लिए शोभा। अरोड़ा साहब, मेरा आखिरी सवाल, कहते हैं INLO गांव में मजबूत है, शहर में थोड़ी सी कम है, इस पर आपका कमेंट क्या रहेगा? INLO गांव और शहर दोनों जगह मजबूत है। अगर दोनों जगह मजबूत ना होती तो 1,05,000 वोट शहरी हैं और 60,000 के करीब गांव की वोट हैं, 2 बार यहां से डॉक्टर मिड्डा MLA ना। अब फिलहाल की बात है, ये अभी चुनाव शुरू हुआ है और शुरुआत में इस प्रकार की बातें कहना समय से पहले की बातें हैं। हमारी पार्टी कमेरे की, गरीब की, छोटे दुकानदार की पार्टी है और निश्चित रूप से हम लोगों में जाकर उनको समझाएंगे और अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। ये थे INLD के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा, जिन्होंने बताया किस तरह वो INLO के उम्मीदवार के लिए जींद में जमीन तैयार कर रही हैं। नमस्कार।